नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं वीकेबी न्यूज़ की एक खास पेशकश जिसका नाम है नागपुर की नौ देवियाँ। तो उसी सिलसिले में आज हम मिलने आए हैं एक ऐसे ही प्रत्याशीन, एक ऐसी ही व्यक्ति से जिन्होंने पॉलिटिक्स में, राजनीति में अपना नाम मलाया है, वही नागपुर की नगर सेविका आभा पांडे से। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं। आभा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमें मौजूद इस कार्यक्रम में अपना वक्त देने के लिए। तो सबसे पहले हम आपके जीवन के ऊपर बात करना चाहते हैं, जहाँ पे आपने एक पॉलिटिक्स में, राजनीति में अपना कदम कैसे बढ़ाया, अपनी जगह कैसे बनाई और इस धर्म में, इस जगह में आपने कैसे इस रणनीति में अपनी जगह को निर्माण किया है। देखिए, मैं जब बाल्यावस्था में थी तब मुझे स्कूल में कैप्टन बनने का बहुत शौक़ था, और हम कह सकते हैं कि जब कैप्टन की भूमिका किसी को अदा करनी होती है तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक गुण उसमें छलकते हैं। तो बचपन में बोलो, कॉलेज में बोलो, मैंने स्कूल कैप्टन के इलेक्शंस वगैरह लड़े थे। उसके बाद मेरी शादी हुई, शादी के बाद पतिदेव ने 97 में इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद उन्होंने फिर से 2002 के चुनाव की तैयारियां की। तो जब चुनाव की तैयारी की तो जब चुनाव आयोग ने जब ये निकाला, ड्रॉ निकाले, तब उसमें पता चला कि मेरा जो क्षेत्र है जहां से मेरे पतिदेव तैयारी कर रहे थे वो महिला आरक्षण में चला गया है। ओके। तो महिला आरक्षण हो जाने की वजह से, ऐसा कह सकते हैं कि मैं आरक्षण के वजह से मैंने राजनीति में कदम रखा। आप जानती हैं, हम जिस कुल के हैं, हम जिस घराने के हैं, हमारे समाज में महिलाओं को ऐसा कहा जाता है कि बहुएं हैं तो चार दीवारी के अंदर रहेंगी, घर में रहेंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं और इस शहर की जनता को बताना चाहती हूं कि मैं, मेरे सास ससुर की जितनी तारीफ मैं करूं उतनी कम है, कि उन्होंने समाज को छोड़ के, बाकी बातों को छोड़ के, रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़कर उन्होंने कहा कि नहीं, अब अगर महिला आरक्षण हुआ है और हमारे बेटे ने अगर यहाँ से तैयारी की है तो इसमें हम अपनी बहू को ही चुनाव लड़ाएंगे। और बस उनका डिसीजन था, पतिदेव का डिसीजन था, और हम मैदान में कूदे। मैदान में कूदने के बाद कई लोगों ने, आप तो जानती हैं राजनीति में, चुनाव में किस तरह की बातें होती है कि भाई ये तो पल्लो लेने वाली महिला है, ये क्या काम करेगी। लेकिन मैंने मेरे इस 20 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने ये उदाहरण पेश किया, मैंने ये दिखाया है कि पल्लो रखने वाली भी महिला फील्ड में रहकर काम कर सकती है और नाम कमा सकती है और जनता के काम आ सकती है। ये इसका मैंने एक उदाहरण शहर में पेश किया है। तो भले ही महिला आरक्षण के चलते मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन मैंने केवल महिला आरक्षण तक उसको सीमित नहीं रखा, मैंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, नवयुवाओं के लिए, उनके रोज़गार के लिए, प्रभाग के बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य के लिए मैंने अनेक काम तो किए ही हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने इस शहर की मूलभूत सुख सुविधाओं के अलावा भी हमने किस तरह के डिसीजंस नागपुर महानगर पालिका के सदन में लेने चाहिए, चाहे वो टैक्स का मामला हो, चाहे वो शहर के पानी संचालन का मामला हो, चाहे वो रोड का मामला हो, चाहे वो रोड के गड्ढों का मामला हो, चाहे वो शहर के स्ट्रीट लाइट्स का मामला हो, चाहे वो शहर के कचरे का मामला हो, ये सारी चीज़ों को हमेशा जनता की तरफ से, जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए मैंने हमेशा वो प्रयास किया है सदन में, और कई मर्तबा आपने देखा है मुझे उसमें अच्छी सफलता भी मिली है। अक्सर हम देखते हैं कि लोकसभा का एक उदाहरण दे लीजिए या कहीं भी, कोई भी जगह हो, जेंडर इक्वालिटी यानी मेल और फीमेल में हम काफ़ी ये करते हैं कि महिलाओं के लिए कई जगहों पर आरक्षण के बुनियाद पर ही महिलाएं वहाँ तक पहुँच पाती है, वरना अक्सर पुरुष का ही वहाँ पे हाथ होता है हमेशा से ही। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, इस मुद्दे पर? नहीं, देखिए, महिला आरक्षण जो है इसको लोग केवल महिला तक सीमित रख देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महिलाओं में ऐसी प्रतिभाएं होती हैं कि वो पुरुष से ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हैं। आपने देखा है कई क्षेत्र में महिलाओं ने नाम कमाया है,
महिलाएं आगे गई हैं, चाहे वो हम सुई बनाने से लेकर, तो हम अभी फाइटर प्लेन चलाने वाली हमारी नागपुर शहर की बच्ची अभी 10 दिन पहले जिसने नाम कमाया, तो कहीं भी महिलाएं कम नहीं रही। लेकिन महिला आरक्षण की वजह से भले ही क्यों ना महिलाएं आ रही, लेकिन हर महिला ने वो धर्म अपनाना चाहिए। मैं उस धर्म की बात कर रही हूँ कि महिलाएं अपने आप को प्रूव करें, और महिलाएं प्रूव करती हैं, वो दिखता है कि भले ही आरक्षण के माध्यम से वो इसमें आ गई, लेकिन सारी चुनौतियों का सामना करते हुए, सारे संघर्षों का सामना करते हुए, संघर्षों से लड़ाई लड़ते हुए वो आगे बढ़ सकती है, वो अपने आप को प्रूव कर सकती है कि केवल मुझे महिला आरक्षण तक सीमित ना रखा जाए, मुझे आगे भी आंका जाए। वो महिलाओं ने प्रूव किया है। रही बात आपने विधानसभा और लोकसभा की बात की, तो ये अनेक राजनीतिक दल हैं, चाहे वो मेरी भी पार्टी क्यों ना हो, मैं सबसे इस आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ कि महिलाओं को टिकट देने पर भी विचार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप केवल महिला यानी आभा पांडे को ही आप टिकट देने के लिए, मेरे जैसी और भी महिलाएं हैं, अन्य पार्टियों में और कार्यकर्ताएं हैं जिनको आगे लाया जा सकता है, उनके प्रतिभा का फ़ायदा, उनके स्किल्स का फ़ायदा नागपुर शहर की जनता को मिल सकता है। वो निर्णय भी अन्य राजनीतिक दलों ने लेना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। आप ऐसे किसी स्त्री के बारे में हमें बताइए जिन्हें आप एक आइडल मानते हो, जिन्होंने अपने ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष किया हो और उस संघर्ष के बाद वो वहाँ पे हासिल किया है उन्होंने वो पद, आप ऐसे किसी महिला के बारे में हमें बता सकते हैं जिनसे आप खुद प्रेरित होती है कोई भी काम करने से पहले, जिन्हें जब आपको लगा हो। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। नहीं, देखिए, मैंने इंदिरा जी को बहुत पढ़ा है। इंदिरा जी के वीडियोस मैं आज भी जब खाली रहती हूँ तो मैं देखती हूँ, मुझे प्रेरणा मिलती है। और देखिए, इंदिरा जी के मामले में तो मैं वो एक लौह महिला थी, मैं उनके बारे में तो चंद पंक्तियाँ निवेदित करना चाहती हूँ कि मैंने उनको जब जब देखा लोहा देखा, कि मैंने उनको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा जलते देखा, तपते देखा, गलते देखा, और वक्त पड़ा तो मैंने उनको गोली जैसा चलते देखा, चलते देखा, चलते देखा। तो इंदिरा जी ऐसी नेत्री थी इस राष्ट्र की, ऐसी पूर्व प्रधानमंत्री थी कि जिन्होंने वक्त पड़ा तो स्वयं जलना यानी स्वयं को तपाना, और वो तपी, क्योंकि इस राष्ट्र की सेवा में जो तत्परता से जो आगे आकर जो उन्होंने भूमिकाएं ली वो राष्ट्र जानता है, तो मैं उन्हें अपना आइडियल मानती हूँ। दूसरा, हमारे पार्टी की जो नेत्री हैं सुप्रिया सुरे, वो पार्टी को बाजू में रखकर भी जो NGOs के माध्यम से महिलाओं के लिए काम करती हैं या उन बच्चों के लिए काम करती हैं जो अनाथ हो गए हैं, तो ऐसी नेत्रियों को पढ़ के, ऐसी नेत्रियों को समझ के मुझे ज़रूर मेरे राजनीतिक जीवन में प्रेरणा मिली है, और मैं उसी प्रेरणा के आधार पर मैं आगे बढ़ रही हूँ। मुझे लगता है सामाजिक जीवन में मैंने स्वप्न देखे हैं, लेकिन वो स्वप्न केवल ऐसा नहीं कि मैं एक पद पर जाऊँ, मैं एक ओहदे पर जाऊँ, मेरा बहुत मान सम्मान हो, लेकिन मैंने ऐसे स्वप्न देखे हैं कि
समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर मैं काम करूं जिन तक सच में आज पहुंचने की आवश्यकता है। अनेक योजनाएं महिलाओं के लिए बनती है, बहुत बड़े बड़े बखान किए जाते हैं कि हमने ये योजना बनाई, हमने वो योजना बनाई, लेकिन सच मायने में क्या वो उन महिलाओं तक पहुँच पाती हैं? आपने मुद्रा लोन के माध्यम से महिलाओं को स्वयं रोजगार देने का की घोषणा की, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जो योजनाएं हैं ये कार्यान्वित राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से होती है। और जब किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जब वो महिला जाती है तो उसे इतनी चप्पल घिसनी पड़ती है, उसे वहाँ के अधिकारी सपोर्ट नहीं करते हैं और हताश होकर वो महिला कहती है नहीं अब मुझे कोई लोन नहीं लेना। कैसे हम उसको उस बेरोजगार महिला को स्वयं रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाएंगे, बात हम बहुत करते हैं, लेकिन इस माध्यम से मैं महिलाओं के लिए मैंने बहुत काम किए और मैं बहुत काम आगे भी करना चाहती हूँ। इसको आपने किस तरह से सरल करने की कोशिश किया है, मतलब ताकि वो आसानी से उन तक पहुँच पाए? देखिए इसके लिए मैंने अनेक शिविर लिए, जितनी योजनाएं महिलाओं के लिए बनती है उन योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाया कि देखिए आपको अगर बचत गट बनाना है तो इस ऐसे बचत गट बनेगा, उसमें अर्थ सहाय निधि जो है, रिवॉल्विंग फंड जो है, वो रिवॉल्विंग फंड आपको कैसे मिलेगा। देखिए जब तक कोई जनप्रतिनिधि स्वयं उन योजनाओं की जानकारी नहीं रखता तब तक वो महिलाओं तक कैसे पहुँचाएगा? तो वो सारे काम हमने किए हैं। साथ ही प्रशासन में उन्हें कहीं कोई अड़चन जाती है या बैंकों में कहीं कोई अड़चन जाती, मैं तो महिलाओं को लोन दिलाने के लिए बैंकों तक गई हूँ, मैनेजर के पास जाकर मैं उनसे लड़ी हूँ और उनके उनका हक उन्हें दिलवाया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितनी प्रतिशत महिलाएं मुझ तक आएंगी या कितने प्रतिशत महिलाओं के लिए मैं काम कर पाऊँगी? नियम और सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि जिसमें हम जो योजना जिनके लिए बना रहे हैं वो उसके वो लाभार्थी बने और ज़्यादा प्रपंच ना हो, ज़्यादा उन्हें घुमाया ना जाए, इसके लिए एक सिस्टम, एक फ्रेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फ्रेम होगी तो निश्चित रूप से हम महिलाओं के लिए कुछ कर पाएंगे, ये उतना ही सत्य है। अभी जैसे आगे नवरात्रि का पर्व आ रहा है और वो महोत्सव तो आप जानते हैं हम पूरे देश में पूरे हर्षोल्लास से मनाते हैं, उन 9 दिन औरतों की, लड़कियों की, बहनों की, माँ की, सबकी बहुत इज्जत की जाती है, पर जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है हम और वही किस्से सुनने लग जाते हैं, इसके साथ रेप हो गया, वहाँ उसके साथ वो दुर्घटना हो गई, कहीं इसके साथ ये हो गया, कहीं वो हो गया। ऐसा नहीं कि नवरात्रि के दौरान रेप नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, हर दिन कहीं ना कहीं रेप होते रहते हैं। महिलाओं को आप इसके ऊपर क्या संदेश देना चाहेंगी कि उन्होंने इस लड़ाई को कैसे लड़ना चाहिए? आए दिन गवर्नमेंट में भी ऐसे कितने तो भी कानून बने हैं, ऐसा नहीं कि कानून नहीं है, पर फिर भी सज़ा क्यों नहीं मिल पाती है अभी तक उन लोगों को? नहीं देखिए कानून बने हैं लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स की और आवश्यकता है ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सामाजिक जीवन में रहते हुए कई ऐसे प्रश्न सामने उपस्थित होते हैं। जब कोई महिला आती कि मेरे साथ अन्याय हो गया या मेरे साथ छेड़छाड़ हो गई, तब हम जानने की कोशिश करते हैं या हम पुलिस प्रशासन से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन कानूनों में और ज़्यादा अमेंडमेंट्स होने चाहिए। आपने बात की कि ये सारी चीज़ें हम कैसे कम कर सकते हैं, तो मैं उन बहनों से, क्योंकि हम शक्ति का पर्व मनाने जा रहे हैं, आपने नवरात्रि की बात की, तो महिला शक्ति स्वरूपा या जो पर्व है उसमें मैं एक ही संदेश अपनी बहनों को देना चाहती हूँ, अपनी माताओं को देना चाहती हूँ कि हम अपनी बेटियों को शिक्षित करते हैं लेकिन हम बेटों को कहीं ना कहीं अनभिज्ञ रखते हैं कि हमने जितना हम अपनी बच्ची का, जब हमारा बच्ची का कदम जब हमारी दहलीज से बाहर निकलता है तो उसने किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये तो हर माँ सिखाती है, लेकिन हमारा बेटा जब दहलीज से कदम बाहर डालता है तो हम उसे ये बताना भूल जाते हैं कि हर बच्ची तुम्हारी बहन है, हर वो महिला तुम्हारी माँ स्वरूपा है, तुम्हें उसी तरह से उनको देखना है, उसी तरह से तुम्हें उनके साथ पेश आना है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में भी कमी है जिस वजह से हमारे बच्चे ऐसी चीज़ें करने पर उतारू हो जाते हैं। इसके लिए बहुत सारी बातें दोषी हैं कि संस्कार तो है ही, विशेष रूप से संस्कार की अगर हम बात करें, संस्कार तो है ही, लेकिन आज का जो ग्लैमर है उस ग्लैमर के चलते कहीं ना कहीं बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं
साथ ही महिलाओं ने बचपन से अपनी बच्चियों को स्पर्श के बारे में बताना चाहिए। मैं आज कहना चाहती हूँ कि हम पेपर में जब पढ़ते हैं, टीवी के माध्यम से जब हम देखते हैं कि 3-5 साल की बच्ची के साथ बाजू वाले किसी व्यक्ति ने, जिसे हम कहते थे जो चाचा कह के हम उसके पास छोड़ते थे, लेकिन उसी चाचा ने उसको अपना हवस का शिकार बना लिया, तो हम उस 5 साल की बच्ची को हम ये नहीं बताया हमने कभी कि बेटा स्पर्श 2 तरीके के होते हैं। एक स्पर्श वो होता है जो बुरे तरीके का होता है, उसे हमने समझाया ही नहीं। जब हमने समझाया ही नहीं तो वो ना समझ बच्ची कैसे समझेगी। ये सारी चीज़ों को समझाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक वाक्या आया था मेरे सामने कि एक 9 साल की बच्ची सुबह 7:15 बजे की उसकी स्कूल थी। मैं आज से 2 साल पहले की बात बता रही हूँ। मेरे प्रभाग की वो बच्ची नहीं थी, बाजू वाले प्रभाग की बच्ची थी, लेकिन जब कंप्लेंट आई तो हम लोग सब दौड़े और हमने पुलिस प्रशासन से बात की, उसको मेयो में एडमिट किया था। 7:15 की उसकी स्कूल थी और बच्ची 6:30 बजे अपने घर से निकली। जब वो 6:30 बजे अपने घर से निकली, 10 मिनट की दूरी पे स्कूल थी, उसकी माँ को ये नहीं पता था कि मेरी बच्ची चली गई। तब माँ सो रही थी। जब वो वहाँ पहुँची तब वहाँ पर जो गार्ड था वो भी नदारद था, गार्ड भी नहीं था क्योंकि वो स्कूल का टाइम नहीं था। 6:40 को बच्ची जब स्कूल में पहुंची तब वहाँ कुछ मनचले युवा जब घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि वो बच्ची अकेली, उन्होंने उसको अपने हवस का शिकार बनाया और बच्ची स्तब्ध थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेकिन जब प्रेयर हुई तब वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, तब जाके टीचर्स लोगों ने कहा कि ये बच्ची खड़ी क्यों नहीं हो रही है, उसे डांटा कि प्रेयर शुरू है, आपको खड़ा होना पड़ेगा। जब देखा तो बच्ची लहूलुहान थी। तब उसकी माँ को जब बताने के लिए स्कूल से पियून को भेजा गया तब भी उसकी माँ सो रही थी। जो माँ सोती रहेगी, मैं निवेदन करती हूँ, मैं अपील करती हूँ उन माताओं से, उन बहनों से, अगर आप सोते रहेंगे तो आपके बच्चों के साथ कहीं ना कहीं शारीरिक मानसिक इस तरह का छल होता रहेगा। हमें भी जागरूक रहना पड़ेगा, हमें उनको संस्कार देने पड़ेंगे। ये सारी बातें बहुत आवश्यक है समझना। और शक्ति के इस पर्व पर मैं बेटियों से भी यही कहूँगी कि ग्लैमर ठीक है, ग्लैमरस दुनिया में रहना चाहिए, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमने अपने संस्कारों को जीवित करके ग्लैमर को हमें कितना आत्मसात करना है, ये भी हमें कहीं ना कहीं उनको पाठ पढ़ाना पड़ेगा। ये समय की आवश्यकता है ऐसा मुझे लगता है। तो ये थे आभा बिज्जू पांडे, जिनसे आज हमने मुलाकात करके कई नए पाठ सीखे हैं अपने जीवन में। इन्होंने एक माँ के लिए, एक बेटी के लिए, एक बहन के लिए, एक हर किसी के लिए, ना केवल स्त्री बल्कि पुरुषों के लिए भी एक संदेश दिया है हमारे इस चैनल के माध्यम से। आपका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। नवरात्रि के इस पर्व के लिए हम आपसे एक आखिरी संदेश चाहते हैं हमने हमारे दर्शकों के लिए। शक्ति का ये पर्व है और मैं समझती हूँ कि माता रानी के 9 रूप हैं। बिल्कुल। और महिलाओं में, महिलाएं कभी माँ सरस्वती बन जाती है तो समय आने पर माँ काली भी बन जाती है, माँ दुर्गा भी बन जाती है, और रण में अगर छोड़ दिया जाए तो रणचंडी भी बन जाती है। ये गुण केवल महिलाओं में हैं, ये गुण केवल शक्तियों में हैं। इसलिए मैं उन सभी शक्ति स्वरूपा बहनों को, माताओं को मैं प्रणाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, और उन्हें नवरात्रि के इस पावन पर्व पर अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और मेरी प्रभाग की जनता की ओर से मैं अनेकानेक शुभकामनाएँ देती हूँ। धन्यवाद।